नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महिला के जेवर लूटने वाले कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जेवर और बुलेट मोटरसाइकिल किया बरामद। अमृतसर के अधीन आती गुरु की वडाली चौकी की पुलिस ने पेट्रोल पंप के मालिक से हुई लूट की वारदात को सुलझाया, एक दोषी को किया गिरफ्तार। अचनाला के गांव रियाड़ में गुरुद्वारा साहिब में चोरी की नियत से पहुंचे दो लोग एलईडी लेकर हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर इंटरनेशनल श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट पर तैनात एक कर्मचारी ने चेकिंग के दौरान लंदन जा रही एक बुजुर्ग महिला के जेवर लूट लिए। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह की कार्रवाई के बाद हरकत में आई पुलिस टीम ने कार्रवाई के दौरान आरोपी को जेवरात सहित गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह गोपी निवासी उमरपुरा अचनाला जिला अमृतसर के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार एक बुजुर्ग महिला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार हो रही थी कि तभी एयरपोर्ट पर तैनात लोडर उक्त महिला को चेकिंग के बहाने टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर ले गया, जहां उसने धोखे से सोने की दो चूड़ियां ले ली। इसके बाद महिला अमृतसर एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हो गई। इसके बाद एयरपोर्ट पर उनकी बेटी जसबीर कौर ने एयरपोर्ट स्टेशन पर अपना बयान दर्ज करवाया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह, प्रभजोत सिंह और कमलजीत सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसके बाद अमृतसर पुलिस ने आरोपी लोडर को गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी गुरप्रीत गोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस दौरान जांच टीम ने 57.020 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए। पुलिस ने आरोपी के घर से औरत से चुराए गए दो कंगन और उसकी बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसे जब्त कर लिया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। के इतने अमृतसर एयरपोर्ट के डिपार्चर के दौरान उन्होंने जो बैगेज स्क्रीनिंग वगैरह हुई तो उन्होंने जो व्हीलचेयर के नाल उन्होंने लोडर जो बतौर असिस्टेंट उन्होंने नाल लगा सीगा, उन्हें बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान उन्होंने दो कड़े जोड़े सके विश्वासघात के नाल क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के नाल जोड़े आतों गबन कर ले, जिदे रिगार्डिंग सानू कंप्लेट मिलने स्टेटमेंट उन्होंने लिखाण से आप इमीडिएटली जी एफ आई आर रजिस्टर करके तो इन्वेस्टिगेशन शुरू की सी। दौराने तफतीश साढ़े वालों साइंटिफिक विज्ञानक तरीकों के नाल सीसीटीवी फुटेजों खंगालन तो बाद तफतीश के दौरान गुरप्रीत सिंह नाम का लड़का जो कि पिंड उमरपुरे का रहने वाला है तो इतने अंदर एयर इंडिया के अपना एयरपोर्ट के अंदर जो लोडर का काम करता है उन्होंने जो आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करके उदे कोलों जिहड़ा वा दो कड़े जिहड़े आ बरामद कीते गए ने। अमृतसर के थाना छेहरटा के अधीन आती चौकी गुरु की वडाली की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब गत 10 मई को पेट्रोल पंप के मालिक से लूट करने वाले एक दोषी को गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क ने बताया कि आरोपियों की तलाश में थाना छेहरटा की पुलिस भैनी साहब रोड के मोड़ पर मौजूद थी कि उन्हें मुखबिर की सूचना मिली कि गत दिनों पेट्रोल पंप मालिक से एक आरोपी इलाके में घूम रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान गुरलाल सिंह उर्फ बिल्लू बकरा निवासी मोहल्ला चेतुआना गुरु की वडाली छेहरटा के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटी हुई एक्टिवा भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया है, ताकि पूछताछ के दौरान इसके बाकी साथियों के बारे में पता लगाकर उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। तो इसी 10:05 रात पौने 10 बजे वारदात हुई थी। वरिंदर सिंह मान है जहाँ का पेट्रोल पंप है इतने गुरु की वडाली के लागे, ये रात को अपने पंप तो जा रहे थे तो इन्हों कुछ अंधविश्वासी व्यक्तियों ने जोड़ा सी राह च दातर मार के इन्हों का रिवॉल पिस्टल तो इन्हों का एक्टिव तो कुछ पैसे इन्होंने खो रहे थे। ये बहुत ही मेहनत करते हुए साढ़े गुरु की वडाली इंचार्ज बलविंदर सिंह होना ने नाल एस एच ओ शैटा ने तो डी एस पी अपने ए सी पी वैसट कंप्लीट होना ने बहुत वधिया काम करते हुए तो दोषी जोड़ा है गुरलाल सिंह हैगा उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो वो जरा इन्होंने खोया पिस्टल वह भी बरामद कर लिया एक्टिवा भी बरामद कर लिया।
गुरुद्वारा चढ़दी पत्ती गांव रियाड़ अचनाला से कामा रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब में बीती रात दो चोर आए जिन्होंने गुल्लक खोलने का प्रयास किया। गोलक में 5 ताले लगे हुए थे। चारों ने 3 ताले तो खोल लिए लेकिन 2 ताले खोलने में नाकाम रहे। इस संबंधी गुरुद्वारा साहिब के सेवादार ने बताया कि सुबह 4 बजे जब वे गुरुद्वारा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुद्वारा साहिब के दरवाजे पर ईंटें लगी हुई थी। जब दरवाजे के अंदर जाकर देखा तो गुल्लक के 3 ताले टूटे हुए थे और गुरुद्वारा साहिब से एक LED गायब थी। सेवादार ने गुरुद्वारा के प्रबंधक को फोन किया जिन्होंने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। इस दौरान गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधकों ने कहा कि चोरों की CCTV सामने आई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वे चोरों का पता लगाकर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इस अवसर पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब से उन्हें सूचना दी गई थी कि गुरुद्वारा साहिब में चोरी हुई है। पुलिस की ओर से मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सुरिंदर सिंह, मैं सवेरे रोजाना इस तरह इतने सेवा करनी आने तकरीबन 4 बजे आया। मैं सवेरे जाने के मैं मेन गेट खोल के अंदर आया। सामने वाला गेट जरा बाहर इटा पईया ही मैंने थोड़ा शक पाया भी इटा इतने अं तो रखिया नहीं तो इटा किस तरह आ गई। इतने दरवाजा वेख्या दरवाजा बहरला जरा जाली वाला थोड़ा खुलिया जहाँ देखा मैं वो दो इटा फसाइया है। मैंने शक पाया परले पिछले दरवाजे राही गया तो दरवाजा पिछला सारा खुला पाया है। मैं चंगी तरह सारा वेख्या मैं कोई कारा हो गया है। फिर मैं सरदार करमजीत सिंह गोल्डी को फोन किया है तो वो तकरीबन 5-6 मिनटों के इतने आ गए। नाल दूजा मेरे नाल मुंडा जहाँ सेवा करता हरमनजीत वो भी नाल आ गया। फिर अं अंदर जाके सारा कुछ वेख्या वा तो गोलक के जे 5 तालों के 3 ताले उन्हें पूरे तोड़ दते आ पूरा जोर ला के दूजे तोड़ते रहे उन्होंने को नहीं टुटे पूरा उत्तर सरिए मार मार के करते रहे। दरवाजे के भी ताले दोवें तोड़े सारे। ये अज रात मैंने सवेरे ना फोन किया जोड़े सेवादार होंगे इतने सेवा कर 4:30 बजे जो आए कि 4:15 बजे तो उदों कहते भी बुआ भजा तो गुरुद्वारे हो तो अं आए तो आदा साढ़िया एक गोलक के 3 चिंदरे भन्ने 2 दरवाजे भन्ने ना तो जोड़ा मेन दरवाजा जिन्हों अं लोहे का गेट लाया ही वह भी बचा पाया उधर नहीं आए। उन्होंने लक्कड़ के दरवाजे तोड़े ने उन्होंने थानी लंघ के अंदर तो अंदरों मुड़ के जेडे अंदर जिंदरे बजे ही वह भी भन्ने दोनों। अमृतसर के सचखंड श्री हरिमंदर साहिब और हेरिटेज स्ट्रीट को जाने वाले रास्ते पर कोतवाली चौक में बन रहे 10 मंजिला अवैध होटल के निर्माण कार्य को रोककर सील किए जाने के बाद भी चल रहे अवैध निर्माण संबंधी नगर निगम अमृतसर के अधिकारियों की ओर से उक्त होटल पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को रोका गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ATP अरुण खन्ना ने बताया कि इस 10 मंजिला होटल के निर्माण कार्य को रोकते हुए पहले ही होटल को सील किया गया था और उन्हें सूचना मिली थी कि इस होटल की ऊपरी मंजिल पर अवैध निर्माण चल रहा है। इसी संबंध में वे अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे हैं और निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि अब इस सारे घपले की जांच की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अरुण खन्ना ATP म्यूनसिपल कारपोरेशन अमृतसर सेंट्रल हल्का। ये एक्चुअल दे विच मतलब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होगी बिल्डिंग ते ना काफ़ी ले बेसमेंट प्लस 10 मंजिल बन गई तो मेरे को एरिया जरा 1.5 महीने तो आया मेरे को एरिया आते ये बिल्डिंग जी सील सी सील तो बाद उपर टॉप फ्लोर तो शटरिंग का काम जो मेरी नॉलेज के आया शटरिंग इंस्पैक्टर भेज के करवाई गई सी वो बावजूद भी काम चल रहा है तो डेमोलेशन की कार्रवाई की गई है। अच्छा खन्ना जी विभाग पहले क्यों नहीं ध्यान दिता है अज की तो बन नहीं रही अच्छ 10 मंजिला बन गई है तो अच्छ कार्रवाई हो रही सर वो भी जी कार्रवाई प्रोसैस है भी कि टाइम से बिल्डिंग कि बनी है वो बारे भी अफसर ने सारी रिपोर्ट मंगी है उसी रिपोर्ट देवे तो उन्होंने भी कार्रवाई होगी। नक्शा वगैरह दिखाया गया सर नक्शा सानू रिकॉर्ड के नहीं कोई कापी मिली मतलब बिल्डिंग सील के ऑर्डर होए हुए है कमिश्नर साहब के तो बिल्डिंग मौके पर सील सी बावजूद काम चल रहा है डेमोलेशन की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के ऑर्डर हुई है।
जालंधर के फोकल पॉइंट के पास अपनी सब्जियां बेचने आए किसान जमींदार के साथ प्रवासियों की बहसबाजी हो गई, जिसके बाद वहां पर सिख तालमेल कमेटी, किसान जत्थेबंदी और आम आदमी पार्टी के नॉर्थ इंचार्ज पहुंच गए। मौके पर पहुंचे जालंधर नॉर्थ के आम आदमी पार्टी के इंचार्ज दिनेश ढल ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि सिख तालमेल कमेटी और किसान जत्थेबंदियां यहां पहुंची थी, क्योंकि किसान को यहां सब्जियां बेचने से रोका जा रहा था, जो कि गलत है, क्योंकि यह मंडी सबके लिए है, चाहे वो पंजाबी हो या प्रवासी हो, यहाँ पर सब्जी बेचने की सबको इजाजत है, कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। सिख तालमेल कमेटी और किसान जत्थेबंदियों के साथ मिलकर मामले को सुलझा दिया गया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी प्रदीप सिंह ने बताया कि मंडी में सब्जी बेचने को लेकर किसान और प्रवासी में बहसबाजी हो गई थी, जिसे बैठकर सुलझा दिया गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मंडी का मसला ये आ जिहड़े उत्थे हैगे आ प्रवासी हैगे, उन्होंने अपनी रेहड़ियां लगाईआं होईआं, जिहड़े जिमीदार आ कोई आए सी उन्होंने प्रवासियों के नाल इस गल तों मन मटाव हो गया भी तुसीं इत्थे किदां लाउणी आ जां अगे कित्थे लाउणी आ। मामूली इन्हां दा झगड़ा सी, दोनों पार्टियां का आपस बह के हो गई आ, गलबात हो गई आ, तो बिल्कुल कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक चल। हाँ, मेरे तो अच्छ अपना सिख तालमेल कमेटी तो किसान जथेबंदियां इतने आई हैं, कोई मसला सीगा भी कोई किसान जिहड़ा इतने अपन सब्जियां बेचन आया सी तो उन्होंने रोकया गया, जबकि यह गल बिल्कुल गलत है। ये मंडी सारे वास्ते भी कोई भी आवे, भावें पंजाबी है भावें प्रवासी है, जिन्हें मेहनत करनी अपना काम करे। इदा मैं तो अच्छ आई सी गल, फिर आके सारा सिख तालमेल कमेटी तो किसान जे जथेबंदियां से उन्होंने मिल के सारा मसला जो हल करा दिता गया, तो हूँ सारे अपने वधिया तरीके शांति का अपना काम कर रहे। भाई मैं ना 10-15 दिन तो ट्राली इतने मंडी ला रहा है, भी मंडी जो रेट मैं घट मिल रहा ही हदवाणियों का, चलो मैं सोचा भी चलो आप बेच के देख लें, सारे बेचते ही आ, तो मैंने भाई बहुत बेनीफिट होया मंडी नालों बहुत ज़्यादा। उत्थे 3 रुपए किलो हदवाणा बिकता से, इतने भाई 8-10 रुपए किलो मेरा बिकन लग पाया। तो मंडी वाले भाजी सारे भईए आ परदेसी बंदे आ, जट जिमीदार कोई भरा नहीं, जट जिमीदार की कोई बामण भरा कोई भी नहीं सगा, तो यह भाजी गुंडागर्दी करते भी कहते ट्राली लै जा इतने दिखनी नहीं चाहिए, चुका देंगे फूक देंगे, इदा दलों करके तंग परेशान किया। तो इस करके भाई ये स्टैप चकना पाया भी अपने जथेदार भरावान जी कमेटी वाले आ सारे भाई सद्या, उन्होंने सलाह की, तो उन्होंने करके मसला भाई हल होया। हूँ मैं यही भाई कहना भी सारे किसान भरा टेंशन ना लैन, जिते मर्जी अपनी सब्जी बेचन, टौर ना बेचन, जे कोई लोड़ है तो असं मोटे नाल मोढ़ा जोड़ के खड़े हैं उन्होंने। अमृतसर गुरु नगरी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहते हैं माँ भगवान का दूसरा रूप होती है, माँ आप खुद गीली जगह पर सोकर बच्चे को सूखी जगह पर सुलाती है, पर वही 3 बेटों की माँ होने के बावजूद उक्त महिला नरक भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बुजुर्ग महिला के बेटे ने एक घोड़ा भी रखा हुआ है जो काफी जख्मी था, जिसके चलते किसी ने घोड़े की वीडियो बनाकर वायरल कर दी और वह वीडियो जानवरों की सेवा करने वाली एक समाज सेवी संस्था के पास पहुंची। जब इस संस्था के सदस्य पुलिस के साथ उक्त जगह पर पहुंचे तो देखा कि घोड़े को चारा डालने की जगह कूड़े के ढेर से प्याज और अन्य सब्जियों के छिलके खिलाए जाते थे। इस जगह पर इतनी गंदगी थी कि यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल था। सबसे बड़ी हैरानी की बात उस समय हुई जब देखा कि वहां पर एक बुजुर्ग महिला भी पलंग पर लेटी हुई थी। पूछताछ करने के बाद पता चला कि उसके बेटों ने उसे यहाँ घोड़े के साथ गंदगी में रखा हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बुजुर्ग महिला की बेटी ने बताया कि उसके भाई अपनी माँ का कहना नहीं मानते और अपनी जायदाद का हिस्सा लेकर अलग हो गए हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता, इसलिए बुजुर्ग महिला नरक भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें जानवरों की सेवा करने वाली संस्था से शिकायत मिली थी कि एक घायल घोड़े को बांधकर रखा हुआ है और उसे रोटी तक नहीं दी जा रही। जब उन्होंने आकर देखा तो घोड़ा बुरी तरह से जख्मी था। उन्होंने ये मामला अपने अधिकारियों के नोटिस में ला दिया है, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक बुजुर्ग महिला भी है जिनका बुरा हाल है, पर ये उनके घर का मामला है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गर्मी कौर, हाँ जी, की है तुसी कौन जे ते बुजुर्ग ताडे की लगदे ने? मैं इहदी धी आ। की गल, इन्ने पुत्तर हुंदे बावजूद भी गंदगी च रहंदी आ, मां की कारण आ? ओ कहना नहीं मंदे हैगे। कौन? पुत्तर नहीं कहना मंदे हैगे। इन्नी बोझ बैठी आ मां, गल नहीं सुनदे ते इह आकर लाउंदी आ ना, ते सुनदे नहीं, आंदे भी अहीं वक्ख बारिया जगह वंड दित्ती आ,
तीन हिस्से किए इन्हें ती एक धी का कड़िया वा तो मेरे भी वैर पे रेंदे आंदे भी तू अपने घर जा मार भावे जी अपने घर जा ए बेचारी ने अपना आसरा बनाया दा तू मैनू सांभदी है जेड़े बंदे ने घोड़ा लैके दिता ना ओदी रिकॉर्डिंग मैं सुन ली मेरे को आया वै वो कहिंदा जेड़ा रेड़ा तू लैके जाना ना वह मैनू दे दो मैं वो रिकॉर्डिंग सुन ली उस बंदे दी मुकर गया ही ते वो कहिंदा मैनू रेड़ा नहीं ना दिता ते ओने मैनू गुस्से होया मेरे दुआ मतलब कि बुरा भला कहा उन्हें ते उस बंदे ने घोड़ा लैके दिता ही ते थोड़ा जिहा ना पैर ते जख्म ही किल वजा ही ते ओने वेख्या भी ये घोड़े का ना उन्हें मतलब कि अपना फोटो फाटो बना के लै गया कहिंदा सेवा नहीं करता वो नहीं मैं तेरा रिपोर्ट लिखा देना वा ते दो तीन दिन मैं जोया नहीं रेड़े च ते गंद जेड़ा थोड़ा जिहा इकट्ठा हो गया दो तीन दिन का मैं काम से चल जाता रहा तुहाडे ते भी इल्जाम लगता तुसीं घोड़े नूं पट्ठे नहीं पाते नहीं मैं वो तो सबूत दे देना वा दुकाना वाले को पट्ठे लैके उन्हें रोज दुकाना वाले तो नहीं मैं सिखाया हूँ मैं सवेरे जा रहा ही 9-10 बजे घरों तुरिया वा पट्ठे लैन ते उतो ये आ गए अगो साडी कोई संस्था नहीं है असि पशु प्रेमी है पशु प्रेमी कोई भी हो सकता है इहदे विच संस्था दा कोई काम नहीं हुंदा कि संस्था है की कंडीशन है असि देखो जी सब तो पहला सानू एक वीडियो वायरल होई सी जिहदे विच घोड़े दे नाल बहुत ज्यादती हो रही घोड़े नूं पता लग्या काफी दिन तो खाण पीण नूं नहीं दिंदा इहदे कोल रेड़ा पिछे हैगा रेड़े तो घोड़े नूं रोज लैके जांदा घोड़े दे पैर च जखम है कीड़े पए होए हैं जदों साढ़े कोल वीडियो पहुंची है असीं इत्थों तक पहुंचे हैं इत्थों दे हालात वेख के तो रोना हो गया कि जिथे घोड़ा बन्ने हैं उन्हें प्याज के छिलके खवाई जा रहे हैं कोई तूड़ी नहीं कोई चारा नहीं हैगा तो इत्थे रखिया होया घोड़े नूं उत्थे ही गंद पिया होया घोड़े का उत्थे ही माता पई हुई है ना लाइट ना पखा कुछ भी नहीं 15 साल की बेटी इन्हां दी मैंटली टॉर्चर है तुहाडे सारे प्रेस भरावां दे मीडिया के जरिए मैं यही हाथ जोड़ के बेनती करूँगी कि सब तो पहला दी तुसीं जानवर जे पालदे हो तो उन्होंने अपने बच्चों वांगू रखो इत्थे घोड़ा जिहड़ा जख्मी हालत च है घोड़े का मालिक जिहड़ा टैणी है उहदे घर च गंदगी पई आ उहदी माता भी बीमार आ और अही वेख रहे हैं अफसरां नाल गल करके दसांगे भी घोड़े का इलाज अही कराने या कोई एनीमल लवर संस्था जिवें आईआं वा जां उह करनगीआं जिवें भी ये मामला कोई मैटर अफसरां दे ध्यान च लियाता वा बाकी गल करके जिस तरह भी ये घोड़े का मालिक सैटिस्फाई होगा वेख लाँगे उस हिसाब नाल कार्रवाई कर देंगे माता बेचारी बजुर्ग है बीमार है बजुर्ग अवस्था जा कुदरती तौर पर बीमार नैचुरली है दवाई दारू कर देखो जी कोई यहोजी गल नहीं मेरे सामने नहीं कोई यहोजा मैटर है कोई तंग परेशान करने वाली बाकी जो इन्हों का कोई फैमिली मैटर हो कोई भैन भरावान का वो सानू पता नहीं ठीक है जी अहू तो जी इनफॉरमेशन मिली घोड़े संबंधी वो संबंधी आए हैं KL आर्या गर्ल्स हाई स्कूल जालंधर छावनी की विज्ञान अध्यापिका संतोष शर्मा को शिक्षा विभाग द्वारा बतौर कार्यकारिणी मुख्य अध्यापिका नियुक्त किया गया। इस अवसर पर उपस्थित राकेश आर्य ने कहा कि संतोष शर्मा की यह सफलता भाग्य नहीं बल्कि उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम है। इस दौरान अमित महाजन ने कहा कि संतोष शर्मा पेशेवर अध्यापक एवं कुशल प्रशासक के साथ साथ इस स्कूल के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति भी हैं। उन्होंने हमेशा एक अच्छे शिक्षक होने की जिम्मेदारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। इस अवसर पर अशोक जावेद सुरेंद्र मोहनलाल अमृतलाल खन्ना ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने स्कूल के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर उन्हें अच्छे नागरिक बनने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित समस्त स्कूल स्टाफ ने उन्हें अपना पूरा सहयोग देने का विश्वास दिलवाया। सतगुरु कबीर जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित 16वीं प्रभात फेरी सतगुरु कबीर मुख्य मंदिर भार्गव नगर जालंधर से निकाली गई। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए रमेश कुमार के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर पारिवारिक सदस्यों में कस्तूरी लाल सुरजीत कुमार सूरज अमनदीप ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस दौरान भक्तों ने सतगुरु कबीर जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। प्रकाश उत्सव बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक पूरे संसार भर विच 4 जून दिन इतवार नूं मनाया जा रहा है। उसे दे संबंध विच हर साल की तरह सतगुरु कबीर मुख मंदिर विच एक विशाल शोभा यात्रा जो कि 3 तरीक दिन शनिवार नूं सतगुरु कबीर मुख मंदिर तों शुरू होवेगी और हर साल की तरह पूरे शहर का परिक्रमा करते हुए समाप्ति भी सतगुरु कबीर मुख मंदिर होगी।
इस शोभा यात्रा दे विच बहुत सारियां उगियां शख्सियतां शामिल होणगियां, धार्मिक जथेबंदियां शामिल होणगियां ते राजनीतिक जथेबंदियां भी शामिल होणगियां। मैं अपील करदा सारियां ही बरादरियां नूं, क्योंकि जात पात का खंडन सतगुरु कबीर साहब ने किया है, केवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन पले को मंदे। सो सारियां ही जातां पातां नूं असीं पिछे रख के गुरु पीरां ने जिन्हां ने सानूं सच्चाई दे मार्ग ते चलण दा रस्ता दिखाया है, ऐसे संतां महापुरशां दा जदों भी कोई दिहाड़ा आउंदा सानूं रल मिल के मनाउणा चाहीदा है। सो मैं खास तौर पर अपनी कमेटी वालों ये सारिआं नूं अपील करदा, बेनती करदा उन्हां नौजवान साथियों जो हर साल शोभा यात्रा विच जांदे ने पर हुलड़बाजी करदे ने, हथियार लैके आउंदे ने, उन्हां सारिआं नूं ही मैं बेनती करदा कि किसी भी तरह की हुलड़बाजी ना करन। 108 श्री गुरु शिव नारायण धर्मशाला कमेटी मोहल्ला नंबर 20 ब्रिगेड धाम जालंधर छावनी की ओर से 9वां 7 दिवसीय ज्ञान योग सत्संग 27 मई तक बावड़ी धर्मशाला मोहल्ला नंबर 2 जालंधर छावनी में पंथ प्रचारक डॉक्टर रामदयाल की अध्यक्षता में करवाया जा रहा है, जिसमें संत महापुरुषों ने पहुंचकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर कमेटी के चेयरमैन प्रवीण कुमार, प्रधान कमल कुमार सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की किशोर जी और सभी सभी धार्मिक स्थलों से
संत और संतों ने प्रत्येक दिन की हाजी लगाने का प्रण लिया है। बोलो संत पति सरकार की गुरुकरण महाराज की जय। गुरु शिवमय स्वामी की आज जलंधर कैंट में 21 तारीख से लेकर 7 तारीख गुरु शिवमय स्वामी जी का ज्ञान योग सत्संग 7 दिन के लिए चलेगा। इसमें दूर दूर से आई संगत उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आए हुए महापुरुषों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जो जलंधर कैंट में नवा ज्ञान योग सत्संग हो रहा है, बहुत भाग्यशाली और बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। हम आए हुए और आए भक्तों का आयु धन्यवाद करते हैं और गुरु महाराज इन पर सबके आशीर्वाद ऐसा ही बनाए रखें, हर साल सत्संग ऐसा ही चलता रहे। सतगुरु कबीर मंदिर कबीर विहार राजनगर बस्ती बावा खेल जालंधर में सतगुरु कबीर जी महाराज के 625वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु ग्रंथ महाबीजक के पाठ आरंभ किए गए। इस दौरान पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर इस पाठ का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के प्रधान सिकंदर लाल, रामलाल, ओम प्रकाश, मंगत राम मांगली, प्रीतम दास, बलवंत राय, राकेश कुमार, विजय कुमार, ओम प्रकाश काका, सोमनाथ, मोहिंदर पाल, जगदीश चंद्र, सिकंदर लाल, पवन कुमार, दिनेश बब्बू, दिव्यांशु, अंकुश सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन दविंदर की रिपोर्ट। धन धन सतगुरु कबीर साहब जी। सतगुरु कबीर साहब के संबंध के विच जो कि 625 साल सतगुरु कबीर साहब जी का 6वें महीने की 4 तरीक न पूरे संसार दे विच बड़ी श्रद्धा दे नाल मनाया जा रहा है, जिस दे संबंध दे विच सब तो पहले सांझियां प्रभात फेरियां निकलियां, जो कि सारे मंदिर इकत्र हो के एक मंदिर दे विच परिक्रमा करते सन। उस तो बाद अपने अपने मंदिरां दे विच प्रभात फेरियां चल रही हैं और साध संगत जी सब तो जो वड्डा उपराला कीता है साध संगत ने सतगुरु कबीर मंदिर दे विच सतगुरु कबीर महाराज जी का महाबीजक उसका अखंड पाठ अज सवेरे 8 बजे शुरू किया है। आदरणीय साढ़े 23वीं गद्दी के मालक गंगा शरण महाराज जी जिन्होंने सतगुरु कबीर महाबीजक का लेख किया है, आदरणीय साढ़े ब्रह्मलीन राजपाल जी जिन्होंने इस पंजाब दे विच सतगुरु कबीर साहब की रौनकों वधाया है, बाणी नाल जोड़िया है, बनारस के नाल सतगुरु कबीर महाराज जी के घर के नाल जोड़िया है। कबीर चौरा मठ से जो सतगुरु कबीर साहब का प्रकाश उत्सव जिथे उन्होंने प्रकाश होया लहरताला दे विच उस दे नाल जोड़िया है। जय कबीर, धन कबीर। मैं ओम प्रकाश, वाइस प्रेजिडेंट कबीर विहार बस्ती बावा खेल सतगुरु कबीर मंदिर। मैं बेनती करना चाहना समूह संगत नूं कि असी एक ग्रंथ साहब जी का बीजक पाठ जिहड़ा पहली बार उपराला किया, सारिया संगतों नूं बेनती कीता करदा हाँ कि सारिया संगतां हुम हुमा के पहुँचन। असी पहली बार उपराला किया तां कि साडा हौसला अफसाई वधे। असी यह जिहड़ा पाठ है हर साल वध चढ़ के वधिया तों वधिया करिए। अगर आप कोई भी ग्रोसरी या कॉस्मेटिक चीजें खरीद रहे हैं तो हो जाएं सावधान। ये तस्वीरें संगरूर के एक गोडाउन की हैं, जहां पर पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग की टीम द्वारा लगातार 2 दिन से चेकिंग की जा रही है, जिसमें हर खाने पीने वाली चीज एक्सपायरी पाई गई है। फूड सेफ्टी विभाग द्वारा मालिक और कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बताया गया कि पहले भी इनके खिलाफ एक्सपायरी चीजें बेचने का मामला दर्ज कर फाइन लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि संगरूर में उभावल रोड पर जगदम्बे राइस मिल के अंदर एक बड़ा मॉल किसी ने किराए पर लिया हुआ है, जिसमें ग्रोसरी और कॉस्मेटिक जैसी चीजों की एक्सपायरी डेट के ऊपर नया लेबल लगाकर लोगों को बेचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी विभाग के साथ मिलकर बीती रात से लगातार चेकिंग चल रही है। दोषी कृष्णपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और गोदाम से नए
लेबल लगाने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस अब इस चीज की भी चेकिंग कर रही है कि इस मॉल को किस दुकानदार को बेचा जा रहा है और कब से इसका कारोबार चल रहा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਗਦੰਬੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਹੈ ਉੱਭਾ ਵਾਲੇ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਡਾਊਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਮੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਡੇਟ, ਫਰੈਸ਼ ਡੇਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਮਾਲ ਡੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੀਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲ ਦੀ ਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰੇਡ ਕਰੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महिला के जेवर लूटने वाले कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जेवर और बुलेट मोटरसाइकिल किया बरामद। अमृतसर के अधीन आती गुरु की वडाली चौकी की पुलिस ने पेट्रोल पंप के मालिक से हुई लूट की वारदात को सुलझाया, एक दोषी को किया गिरफ्तार। अचनाला के गांव रियाड़ में गुरुद्वारा साहिब में चोरी की नीयत से पहुंचे दो लोग LED लेकर हुए फरार। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।